मैं शेफाली आपका अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो जो पिछला वीडियो मेरा गया है उसमें मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी, लेकिन किसी ने उस बात को शायद ध्यान नहीं दिया या स्किप कर दिया और किसी ने उस विषय में कोई भी मुझसे एक भी सवाल नहीं किया, कुछ नहीं। तो मैं आज खुद ही बताने जा रही हूँ। मैंने बोला था कि अगर आप लोग मेरे फेस पर कुछ नोटिस करें या कुछ अलग सा तो मुझे रिप्लाई जरूर कीजिए, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए मेरे बालों में पहले भी कलर हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे हो गए थे, बाल बढ़ गए थे, जल्दी जल्दी मेरे बाल बढ़ते हैं तो वो नीचे हो गए। फिर मैंने अब फिर से कलर करवाया है, ये देखिए। इसी चीज को मैंने शायद इतना नहीं आप लोग समझ पाए क्योंकि पहले से भी कलर हो रहा था, तो ये देखिए मैंने कलर करवाया है। लास्ट जब मैंने मेट्रो वाला वीडियो डाला था अपना शॉर्ट वीडियो, तो मैं वहीं गई थी कलर करवाने के लिए। उसी टाइम पे मैंने मेट्रो का थोड़ा सा शूट किया था, मार्केट में गई थी सदर बाजार, लेकिन सदर में बहुत भीड़ होती है, जो लोग जानते होंगे। एशिया का मार्केट नाम आता है लार्ज मार्केटों में जो सदर बाजार है होलसेल, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है और कोरोना टाइम है, तो मैंने ठीक नहीं समझा वीडियो बनाना, इसलिए वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब कभी हालात अच्छे होंगे तो मैं वहाँ का आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो मैं सदर गई थी और सदर से कुछ एक दो चीज़ें मैं लाई भी हूँ, मैं आपको साथ दिखाती हूँ और कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं पिछले संडे गई थी और आज संडे ही है, एक हफ्ता हो गया, इधर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई ना कोई घर के काम लगे होते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो ये देखिए, ये एक आई शेडो मैं लेकर आई हूँ, इसके कलर देखिए आप, बहुत ही प्यारे कलर हैं। और इतना अच्छा कलर का मतलब मुझे नहीं मिल पा रहा था यहाँ कहीं पास में, इसलिए मुझे सदर जाना पड़ा। और ये बहुत ही सुंदर है, इसके मेरे पास अभी ब्रश नहीं है, मैंने कभी ये परचेस नहीं किया। एक बार मेरी शादी में आया था और शादी वाला भी मैंने यूज़ नहीं किया था, वो मेरे विराज ने खेल डाला। और अब मुझे थोड़ा सा मन करता है आई मेकअप करने का, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इस वजह से मैं इसे लेकर आई हूँ। तो एक ये है, मन तो बहुत चीज़ें होती हैं हम लोगों की, लेकिन घर गृहस्थी में जो लोग फंसे होते हैं वो समझ सकते हैं कि हम लोग लेडीज़ें कितना खुद पर ध्यान दे पाती हैं मेकअप वगैरह पे, घर के काम ही नहीं समझ पाते हैं कि ये सब क्या करें। तो मेरा तो इतना हो जाता है कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है, लिपस्टिक ही मैं कभी कभार लगाती हूँ। आज भी मेरा बेटा कह रहा है मम्मा कहीं जा रही हो क्या, मैंने कहा क्यों, नहीं मम्मा लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, इसलिए मैंने पूछा। तो मैं पर डे में वो भी नहीं लगाती, कई बार तो वीडियो भी ऐसे हो जाता है कि मैं लिपस्टिक वगैरह, वैसे तो बाकी तो मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ अपने फेसेस पे क्योंकि मेरे दाने बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो हल्का सा मैंने आज काजल लगाया और लिपस्टिक लगाई है बस, और ये भी कभी कभार होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। और बाल मेरे आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीदी बाल आप जैसे केमिकल वगैरह यूज़ हो रहा है तो बाल ख़राब होते हैं, तो बिल्कुल बाल ख़राब होते हैं, लेकिन जब हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, अब फैशन है तो करता मतलब कर लेते हैं। तो मैंने 3-4 बार मेरा हो चुका है कलर, चौथी बार मैंने करवाया है कलर इस तरह का बाहर जाके। वैसे मेहंदी वगैरह मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेहंदी से मेरे सर में दर्द हो जाता है मेहंदी लगाती हूँ तो, और फिर वो बार बार एक तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वाइट कुर्ता वगैरह कुछ टी शर्ट वगैरह पहनी तो जब भी बाल आप धोएंगे मेहंदी लगा के तो वो कलर थोड़ा थोड़ा जाता ही रहता है, तो मुझे मेहंदी सूट नहीं करती, मेरे सर में दर्द हो जाता है तो मैं नहीं लगाती। पहले लगाती थी, मम्मी लगा देती थी, और जब से शादी हुई तब से तो मैंने बहुत ही कम 1-2 बार ही मेहंदी लगाई होगी, और तब से यह है कि 4 बार से मैं कलर करवा रही हूँ। कलर से फ़र्क पड़ता है, केमिकल यूज़ होंगे तो ज़रूर आप स्टैंडिंग वगैरह कराएंगे, स्मूथनिंग करवाएंगे तो बालों पे असर तो पड़ता ही है, लेकिन ये है कि उसकी केयर आप अगर करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं साथ साथ में केयर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ कभी कुछ कभी कुछ अपने बालों में अप्लाई करती रहती हूँ तो बाल ठीक रहते हैं। देखिए आज मैंने कंडीशनर वगैरह कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल ऐसे ही वॉश कर लिया है। अगर कंडीशनर वगैरह करते हैं तो साइन अच्छी आ जाती है, और घर का कंडीशनर बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी तो मार्केट का भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे जल्दबाजी हुई, और या फिर कभी कभी घर का मेथी का बनाती हूँ मैं, वो यूज़ कर लेती हूँ। टाइम के है, टाइम जैसे हो गया वैसे मैं कर लेती हूँ, लेकिन बालों पे थोड़ा सा जब हम इस तरह का ट्रीटमेंट कुछ करते हैं केमिकल का तो करना पड़ता है। और इसी के साथ देखिए मैं आई शेडो आप कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो मैं लिपस्टिक लाई हूँ, कलर बताइएगा ये कैसा है।
ये इस तरह का है कलर। ये कैमरे में पता नहीं, लेकिन ये वाला जो कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ भी रही थी। और ये कलर एक बार मैं लेकर आई थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उसको अच्छा लग गया था तो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया था। तो ये दो कलर फिर मैं से मैं ले आई हूँ। बाकी मेरे पास ये रेड है और एक कॉफी डार्क कॉफ़ी कलर भी है। और ये जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है मेरे फेस पे, मुझे लगता है ये ज़्यादा सूट करती है, तो मैं ये अच्छी लगती है मुझे, तो ये लेकर आई हूँ। अभी मैंने लगाई नहीं है, किसी दिन लगाऊंगी वीडियो पे, तो आप लोग देखिएगा बताइएगा कैसा लगा। और मैं अपने लिए लाई हूँ कुर्ते, ये देखिए कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये लॉन्ग कुर्तियाँ हैं इस तरीके की, ये देखिए। ये जो साइड से डोरी वाले होते हैं ना, वो हैं ये डोरियाँ यहाँ से, और यहाँ ये लग जाएंगी। अभी ये ऐसी लटकाई हुई है, यहाँ से बांधने को होगा। ये इस तरीके का दोनों साइड है, ये इस तरीके की लॉन्ग कुर्ती है। ये देखिए काफ़ी अच्छी लेंथ है, मेरी भी लंबाई अच्छी है तो, लेकिन मुझे इतना इतना छोटा पड़ रहा है। बाकी तो जैसे कम हाइट की लड़कियाँ अगर पहनेंगी इसे तो पूरी फ्लोर तक आ जाएगा। मेरी हाइट अच्छी है तो मेरा थोड़ा सा ऊँची है ये। तो नीचे मैं इसके साथ रेड कलर का प्लाजो बनाऊंगी, अम्ब्रेला। एक मैं ब्लैक अम्ब्रेला प्लाजो भी बनाने की सोच रही हूँ। अम्ब्रेला वाला प्लाजो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं किसी दिन स्टिच से करूँगी। एक कुर्ती ये लाई हूँ और एक कुर्ती देखिए मैं ये लाई हूँ इस तरीके की। ये भी लॉन्ग है, उसी साइज़ की है। इसमें जो आस्तीन दे रखी बेल स्लीव है ये, और डबल है ये, इस तरीके से डबल बेल स्लीव है ये इस तरीके की। बहुत कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, कपड़ा दोनों कुर्तियों का बहुत ही अच्छा है। ये है, ये भी लॉन्ग है और इसमें एक चीज़ ये दे रखी है, यहाँ पे डोरी दे रखी है ना, तो ये आगे से इस तरह से टाइट भी कर सकते हैं आप, जैसे कमर पे ये टाइट हो जाएगी, ऐसे यहाँ से खींच जाएगी ये, तो कमर पे अगर टाइट वाइट करना हो तो इस तरह से टाइट कर सकते हैं। ये डोरियाँ दे रखी हैं और ये भी काफ़ी लंबा है और घेर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए बहुत अच्छी कुर्ती है, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है, कॉटन में ही है। और एक कुर्ती ये लाई हूँ मैं, इसमें भी देखिए फ्रिल लगा के वाली है आस्तीन, फ्रिल लगी हुई और एप कट है और फ्रिल ये इस तरह से। और ये देखिए यहाँ ये भी लॉन्ग है, इसमें इस तरह की ये डोरियाँ दे रखी हैं बांधने के लिए, बेल्ट इस तरह से आप पीछे बांध सकते हैं इसे। और पूरे में ये बड़े बड़े बटन दे रखे हैं, ये भी खूब लॉन्ग है और बहुत ही चौड़ी है। देखिए घेर इसका भी बहुत अच्छा घेर है, इतना सारा घेर है, बहुत ही प्यारी है। आपको तीनों में से कौन सी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बार तीनों का दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये है एक, ये है और एक ये है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये कुर्तियाँ लेकर आई हूँ और नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र की भी तैयारियाँ चल रही हैं, तो मुझे भगवान जी के लिए कपड़े बनाने थे, तो मैं एक देखिए लेकर आई हूँ सीक्वेंस वाला जो आजकल कपड़ा चल रहा है, साड़ियाँ वगैरह है कपड़े पे बहुत चल रहे हैं, तो मैंने सोचा भगवान जी के लिए भी मैं सीक्वेंस का ही बनाऊंगी इस बार। तो ये देखिए ये इस तरीके से सीक्वेंस वाला कपड़ा मैं लेकर आई हूँ, ये मैं 1 मीटर लेकर आई हूँ और आज इसके ड्रेस बनेगी भगवान जी की। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ या नज़ करूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यही एक छोटू सा ब्लॉग था मेरा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे बाल कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए, सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार विजिट करते हैं, और अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।